जय हिंद दोस्तों। कल शाम को एक हॉट एंड कोल्ड एसी आदित्य विजन सुपौल से बिका और कस्टमर खरीदने से पहले बोल दिया कि लगाने के लिए एहसाने को भेजिएगा, नहीं तो आपका एसी आप ही को मुबारक, हम फिर चलते बने। अब सेल्समैन हमको फ़ोन किया कि भाई जाकर के एक एसी लगा देना। हम ठहरे एक सवा महीना से छुट्टी पे, सोचे हुए थे कि एक तारीख से ज्वाइनिंग करेंगे तब लगातार काम करेंगे। बोला कि यार तुम्हारा कट्टर फॉलोवर है। इतना सुन करके हमारा जो है दिल बस सीज गया भाई। कट्टर फॉलोवर के लिए तो हम कुआं में कूद जाएं, ये एसी लगाना तो छोटा मोटा चीज़ है। तो अभी हम पहुंच गए अपना सारा सामान लेकर के, ये अभी बांध पे हैं और ये एसी जो लगेगा भोकरा ही गांव पड़ता है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, 5-7 किलोमीटर है मेरे घर से। तो हम अभी पहुँच चुके हैं, ये पीछे वाला मोहल्ला वो भोकरा ही है। और सारा सामान ले लिए, देखिए वैक्यूम पम्प ले लिए हैं, ड्रिल मशीन है, बाकी ये टूल बैग है और ये स्टैंड है। चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर कहाँ लगा रहे हैं। 2 मंजिल का घर है, अब जहाँ लगाए। ये रहा इंडोर, वो रहा आउटडोर और एसी लगेगा जस्ट सामने में। और इसका रूम का साइज बता रहे हैं कि 12x12 का है। तो ये दोनों तरफ से देखिए, वैसे ये एसी कह रहे हैं कि ये बीच में लगाने के लिए बल्ब के पास सेंटर में। पाइपिंग तो अंदर से होगा, वो कोना से होते हुए बाहर निकल जाएगा। अब बाहर जो है आउटडोर कहाँ पर रखाएगा वो देखिए। ये रहा छज्जी, ये छज्जी में घुसिया के कह रहे हैं रखने के लिए आउटडोर यूनिट को। वैसे पहले तो कह रहे थे कि इसको जो है ये ऊपर में छत है वहाँ रखिए, तो हम बोले कि पाइप लगेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तब बोले कि नहीं यहीं रख दीजिए। लुक तो इनका एकदम ब्यूटीफुल है। और यहाँ जो स्टिकर चिपका हुआ है इस पर, जो इसका मॉडल देखिए, RSH18VNXE, ये मॉडल का जो है हम वीडियो बनाए थे आदित्य विजन में ही जाके। इसके पीसीबी पर वारंटी जो है, इंडोर और आउटडोर दोनों के पीसीबी पर वारंटी 5 साल का है और 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी। इनका स्टार रेटिंग वाला स्टिकर जो है यहाँ चिपका हुआ है, ये 3 स्टार का है जैसा कि हम बताए थे वीडियो में। इस बल्ब को यहाँ से हटा देते हैं, क्या कि एसी लगाएंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा। एसी में इनपुट करंट बोल रहे थे यहीं से देने के लिए, लेकिन यहाँ पे 1.5 mm का तार देख रहे हैं हम। वहाँ से तार जो है यहाँ आया है, ये मेन बोर्ड में, यहाँ एक भी तार नहीं है 2.5 mm वाला, सब 1.5 mm का है। और इसमें जो स्विच लगा हुआ है सब जो है 6-6 एम्पियर वाला है। तो ये एसी तो लोड लेगा नहीं इस पर। यहाँ इस तरफ से इस तरफ तक दोनों के बीच में यहाँ मार्किंग किए हैं, बीच सेंटर में लगेगा एसी। एसी का डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, इंडोर तो यहाँ लगवे करेगा लेकिन पाइप जो बोले थे कि अंदर से ले जाएंगे, लेकिन वो अंदर से नहीं जाएगा अब। और आउटडोर यूनिट जो बताए थे हम कि ये छज्जी पे यहाँ रखेंगे, तो अब इधर नहीं कह रहे हैं, पीछे के तरफ कह रहे हैं। अब इस मकान के पीछे के तरफ आ गए हैं, बोल रहे हैं कि पाइप इधर से निकालिए यहाँ से, और वहाँ जो आउटडोर यूनिट लगा दीजिए ऊपर करके। प्लेट तो लग गया एकदम परफेक्ट तरीके से। अब कॉपर पाइप निकालने के लिए जो हॉल करेंगे वो 3.5 इंची के डिस्टेंस पर 7 गो छेद कर दिए, एकदम आर पार हो गया। 5 इंची का दीवार था इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। चलो भाई, ये तो बढ़िया से रखा गया। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुक लाइक अ वाव। इनके पीछे के साइड से कॉइल देखिए, एकदम प्योर कॉपर का है। और इसका बनावट जो है, फिनिशिंग इसमें जो है ना, 1 नंबर एलजी के एसीओ में। ये स्टैंड अपने साथ लाए थे, इसको नहीं लगाएंगे, ये स्टैंड जो है कस्टमर का है तो इसी को लगाएंगे। दोनों ब्रैकेट तो कस दिए, चलिए अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा तो यहाँ पर जो मार्किंग भी कर लिए हैं, ये देखिए।
दोनों स्टैंड जो है एकदम परफेक्ट तरीके से लगा है 18 इंची के डिस्टेंस पर। क्या है कि आउटडोर यूनिट का साइज छोटा है ना, तो 18 इंची का जो है लेग का जो डिस्टेंस है बीच का। अब ये कॉपर पाइप पर जो है टेपिंग कर रहे हैं, ये वायर और दोनों कॉपर पाइप मिला करके जो बढ़िया से टेपिंग कर रहे हैं। ये काला कलर का जो फोम दिख रहा है ना, ये जल्दी सड़ेगा नहीं ये टेपिंग करने के बाद, क्योंकि टेप जो है बहुत मजबूत टेप है। ये इंडोर टू आउटडोर वाला वायर जो है इसको भी जॉइंट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये एक दो नट जो एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है, लेकिन पिछला वीडियो में चार को बोले थे, वो मिस्टेक से बोल दिए सॉरी, लेकिन एक एसी में दो ही नट एक्स्ट्रा रहता है, तो ये दोनों नट जो खोलेंगे ना तो ये एक्स्ट्रा है बच जाएगा। इसमें ये नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ये प्रमाणित करने के लिए कि कहीं ये इनका जो कूलिंग कॉइल है वो लीकेज नहीं है। परफेक्ट तरीके से कस कुस के टेपिंग कर दिए। ये रबड़ जो है एसी के हर आउटडोर यूनिट के लेग में डालना चाहिए, इससे नॉइज लेवल जो है कम हो जाता है आउटडोर यूनिट का। लग रहा है किधर कैसे है ना, यहाँ देखिए ये है फोर वे वॉल्व लगा हुआ इसमें, जिसको रिवर्सिंग बल्ब बोलते हैं, और इसी का कमाल है कि ये हॉट एंड कोल्ड एसी को बना देता है। कॉपर पाइप तो कसा गया, अब रह गया ये वायर कसने के लिए। कितना टेक्नीशियन भैया को देखे हैं कि तार में जो जेक लगा हुआ है, ये छेद वाला जेक, आधा छेद को काट देते हैं तब स्क्रू में जो कसते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। हम तो भैया पूरे समुचा ही रहने देते, उसी में स्क्रू फंसा फंसा के कस दे रहे हैं। एसी इंस्टॉलेशन का काम तो कम्प्लीट हो गया, अब बचा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इनका वैक्यूम। वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है एसी के अच्छे कूलिंग और अच्छे हीटिंग के लिए, क्योंकि वैक्यूम करने से परफेक्ट 100% कूलिंग करेगा ये एसी। अब लास्ट एक और चीज रह गया है, ये देखिए दिक्कत है, ये देखिए ये जो है कुछ नोब उब दिया गया है, इसको लगाना है हमको। ये देखिए आउटडोर यूनिट में यहाँ पे लगेगा। पहले तो ये जो दो ढक्कन टाइप का है ये काला वाला, ये एक छेद ये दूसरा छेद में लगेगा। और अभी ठंडी का समय है, तो ठंडी के समय में तो आउटडोर यूनिट से पानी बनाएगा, तो ये लगा देंगे एक ठो यहाँ पे, और इसमें जो है पाइप कनेक्ट हो जाएगा, वो पाइप के थ्रू जहाँ मन चाहे वहाँ पानी जो है गिरवा सकते हैं। ये इसीलिए देता है, हॉट एंड कोल्ड एसी में ही ये सिर्फ देता है ये वाला जो। तो ये लग जाएगा यहाँ, रुक जाइए, इसमें ये रबर लगा रखे, ये रबर लग गया। अब ये ढक्कन टाइप का जो है वो दूसरा छेद जो है इस तरफ ठूस देते हैं, ताकि पानी उस तरफ से नहीं गिरे, सिर्फ इसी तरफ से गिरे। यहाँ देखिए बाहरे से एगो तार जो इस तरफ से घुसा के इस तरफ निकाल दिया, इसी में जॉइंट कर दिया, क्योंकि अभी वायरिंग वायरिंग नहीं हुआ है, 13 mm के तार में तो चलेगा नहीं यहाँ। हो गया एकदम परफेक्ट ऐसे इंस्टॉल। पीछे के साइड से ये रहा आउटडोर यूनिट, सीधा एकदम पाइप गया ऊपर, एकदम आउटडोर यूनिट भी परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हुआ है। और
ये पानी वाला पाइप जो है ना अभी ज्वाइंट कर देंगे वो आउटडोर में वहाँ जो है, लेकिन ये इंडोर यूनिट से पानी तो अभी बनेगा नहीं, ये बाद में करें कि ज्वाइंट कर लेंगे। और ये वाला जो है मसाला कल भरवा लेंगे ये खुद, क्योंकि इसके यहाँ लेबर मिस्त्री अभी काम चल रहा है। कीजिए दबी दबा दाब के छोड़ दीजिए, दाब के छोड़ दीजिए, एक बार दबी दाब ही नहीं करना है, क्लिक करना छोड़ देना जैसे मोबाइल में ना दाबते। अभी ये कूल मोड पे है समझे, अभी ये कूल मोड पे है, आपको मोड चेंज करना है, ये मोड का बटन है और यहाँ यहाँ लोगो देखिए चेंज होता रहेगा लोगो, फिर से दाबिए। ये ऑटो मोड पे अभी देखिए, ये ड्राई मोड पे, ये है ऑटो मोड पे ठीक है, और ये ऑटोमेटिक 30 है, नहीं घटाना नहीं है कभी भी टेम्परेचर, घटाना नहीं है, 30 पे ही रखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 पे ही रखना है ठीक है। अब ये थोड़ा देर में अपने ही हवा फेंकने लगेगा गर्म हवा। यहाँ देखिए हॉट का लोगो और नीचे ड्राई का लोगो जो बन गया, तो ये भी हॉट मोड पे गर्म हवा जो है फेंकेगा धाएं धाएं, गर्म हवा यहाँ पे पता चलेगा आपको पूरा। देखिए ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, अब वोल्टेज जब फ्लक्चुएट करेगा तो कूलिंग में या हीटिंग में प्रॉब्लम आएगा समझे। वोल्टेज इसके लिए रेगुलर चाहिए 230-220 ऐसे वोल्टेज ठीक है, जैसे जैसे अभी ये वहाँ से जोड़ रखे हैं ना, एक सटीक तरीका से यहाँ पे बोर्ड ला करके लगा देते बढ़िया से, जैसे कल जैसे बोल रहे हैं कि कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट तरीके से करेगा। देखिए अभी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कम बेस हो रहा है, तो इसका लोड जो है घट रहा है बढ़ रहा है।